मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ यह आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर के निर्देश में तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे थे। तो वहीं इस मौके पर नगर के कुछ अधिकारी नदारद भी दिखाई दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं का भी आरोप है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया, जिसके चलते खासी नाराजगी देखी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बैतूल जिले में माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे जी के नेतृत्व में बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, लेकिन वहीं पर आमला में किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस स्थापना दिवस में हर्षोल्लास के त्यौहार में किसी भी कांग्रेसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी किसी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को, कार्यकर्ताओं को, एनएसआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसी को नहीं बुलाया गया इस कार्यक्रम के अंदर। शिकायत माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे सुखदेव पांसे जी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सुनील शर्मा जी से हम इसकी शिकायत करने जा रहे हैं और हम निश्चित इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। इतना बड़ा हर्षोल्लास के त्यौहार में हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, क्या भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल भेदभाव है, अलग ही समझ में आ रहा है ये बात को हमको। और अधिकारी लोग बिल्कुल अभी भी बीजेपी की भाषा बोलते हैं, किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उसका मान और सम्मान नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे अभी।